नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। लंबी लंबी कतारें, जय महाकाल के नारे और अपने ईस्ट देव को देखने की खुशी, कुछ ऐसा ही नजारा आज विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में देखने को मिला, जहां सुबह हुई घटना के बाद भी करीब 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। आज दिन भर से भले ही महाकाल मंदिर में हुई आगजनी की घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हो, लेकिन बाबा महाकाल के भक्त तो निराले ही हैं। उनकी आस्था पर इस हादसे का कोई असर नहीं हुआ है और रोजाना की तरह ही आज भी श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बाबा महाकाल के दरबार में होली पर्व पर आज नगर के साथ ही विभिन्न प्रदेशों से लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, जिनके कारण नंदी हॉल, कार्तिक मंडपम, गणेश मंडपम के साथ ही पूरे मंदिर परिसर में श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे थे। वैसे तो मंदिर में आज की घटना ने सभी के होश उड़ा दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी महाकालेश्वर प्रबंध समिति के द्वार मंदिर में प्रतिदिन की जाने वाली श्रृंगार आरती निर्धारित समय पर की गई। वहीं होली पर्व होने के साथ ही विशेष दिन यह भी रहा कि बाबा महाकाल को ठंडे जल से स्नान करवाना शुरू किया गया है। मंदिर के पुजारी पंडित अभिषेक शर्मा बाला गुरु ने बताया कि होली पर्व से शरद पूर्णिमा तक बाबा महाकाल ठंडे जल से स्नान करते हैं, जिसकी शुरुआत कर दी गई है।